तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे स्वरोजगार वाले भाई यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट और मैं आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पनगांव से बिलोंग करता हूं। क्योंकि दोस्तों मैं अपना फुल इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि आप अपने गाँव हाँ अपने पते के बारे में नहीं बताते हो, तो इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी जो लोग मेरे वीडियो पे पुराने होंगे तो वो लोग जानते होंगे, बाकी जो नए हैं उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। और कोशिश करूँगा सर आज के बाद कभी भी मैं अपना कोई भी ब्लॉग शूट करूँगा, वीडियो शूट करूँगा, तो आपको अपना इंट्रो ज़रूर दूँगा वीडियो की स्टार्टिंग में। तो दोस्तों कल मैं नहीं आया था ग्वाला, कल मैं घर में ही था और कल बकरियों के साथ मेरी मम्मी आई थी। और मैं कल आपने देखा होगा मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, वीडियो भी थी परंतु मेरे को नहीं लगा ठीक डालना, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा स्वरोजगार से रिलेटिव आपका चैनल है तो मैं उसमें सोचता हूँ कि वही चीज़ डाला जाए। तो दोस्तों कल मेरी मम्मी आई थी तो उसने वहीं घर के पास में ही हमारी बकरियाँ चराई और गाय में जंगल छोड़ गया था। तो दोस्तों कल दो बैड न्यूज़ भी मिली, एक गुड न्यूज़ भी मिली। बैड न्यूज़ यह है दोस्तों, जो मेरी सोनाली मुर्गी ने आपके बच्चे बनाए थे चार, तो उसमें से दोस्तों एक बहुत टाइम से थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था, और वो कल वो मर गया और बहुत दुख हुआ मुझे। और दूसरा दोस्तों जो मेरी फीमेल डॉग थी आपका डबी, वो आपने देखा होगा बीच में कभी कभार मैं उसे लेके आता था जंगल, तो दोस्तों परसों शनिवार की शाम को उसके गले में हल्का सा छोटा सा एक पॉइंट सा हो रखा था, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई कांटा वाटा चुभ गया हो। अब दोस्तों पता नहीं वो किसी जग उसने किसी कीड़े वीड़े ने काटा था क्या था मुझे नहीं पता, तो मैंने तुरंत उसकी वीडियो बना के मेरे जो मित्र हैं आपके पशु विभाग के डॉक्टर्स हैं उनको मैंने उसकी शेयर करी। तो स्टार्टिंग में तो उन्हें भी वो वीडियो देख के यही लगा कि किसी कीड़े ने काट दिया, तो उन्होंने बोला कल तो संडे है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आ पाएंगे क्योंकि उनका अपना निजी वर्क भी था तो कल कहीं गए हुए थे वो। तो दोस्तों कल के दिन वो इतना फैल गया तो उसने पूरा एक साइड के गर्दन का एरिया पूरा कवर कर लिया। मॉर्निंग में तो रेड कलर हो रहा था उसका, मैंने मॉर्निंग भी वीडियो ने शेयर करी थी, उसके बाद शाम के टाइम पर दोस्तों वो पूरे वाइट में हो गया था और उसकी जो बाहर की त्वचा है उस पर पूरी ऑयलिंग हो रही थी, पूरा मतलब पानी टाइप का गाढ़ा पानी टाइप का लिक्विड निकल रहा था। तो दोस्तों मैं जब वीडियो भेजी तो उन्होंने बोला ये बीमारी है, ये आपकी स्किन से रिलेटिव बीमारी आ जाती है और वो एकदम से फंगस टाइप की होती है, ये फैलती है। तो मैंने तुरंत उसका फंगस के हिसाब से मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो मॉर्निंग में फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया था, तो मॉर्निंग में डॉक्टर आए और उन्होंने उसको इंजेक्शन वगैरह दवा पानी जो भी है उसका उन्होंने करा, बाकी आगे दो तीन दिन के लिए मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोल रखा है। तो एक बैड न्यूज़ ये रही। और दूसरा दोस्तों जो हमारी गाय थी जिसका बच्चा होने वाला था, कल उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, उसकी बेटी हो रखी है। तो इसी चलते आज सुबह मॉर्निंग में दोस्तों मैं बहुत लेट हो गया क्योंकि पहले उसके पास जाना पड़ा, फिर डॉक्टर का वेट करना पड़ा, फिर डॉक्टर को भी लेट हो गई थी क्योंकि सुबह बरसात का मौसम हो रहा था एकदम से। और उसके बाद करा फिर उसका भी ट्रीटमेंट करा। उसके बाद दोस्तों मेरे पे एक मेरी बकरी का बच्चा था, वो आपने देखा होगा वो वाला, तो इसके कान के ऊपर एक शायद मैंने किसी वीडियो में बताया हो या नहीं बताया हो, एक बॉल टाइप की उसके सींग के बगल पर कान के बीच में बॉल टाइप की हो रखी थी, एक फूलावा जैसे जलने का फूल जाता, बहुत लंबा टाइम हो गया था उसको। तो मैंने कहा जब आई रखें तो उसे भी दिखा दूं। तो दोस्तों उसको उन्होंने चेक करा, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था शायद मुझे लगता है, क्योंकि अगर उसके अंदर चोट वोट लग के कुछ और चीज़ होता तो वो कब का फैल जाता या फट जाता, तो उसके अंदर मैंने कहा पानी होगा, तो वो सिरिंज वगैरह लेके आए थे तो वो सिरिंज से उसका सर में सिरिंज लगा के उसका पानी निकाला गया। उसके बाद फिर पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब लाल दवा का फिर पानी उसमें डाला गया। तो ऐसी वर्क दोस्तों मेरे को दो तीन दिन करना है, अगर उसमें पानी आप भरता है तो अब मैं खुद करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे को नॉलेज के हिसाब से मेरे को हर किसी की नॉलेज रहती है परंतु बट मैं उस नॉलेज को कंफर्म करने के लिए पहले डॉक्टर को बुलाता हूँ, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, उसके बाद फिर मैं उसमें आगे के कार्रवाई उसमें मैं खुद करता हूँ।
क्योंकि दोस्तों एक नॉलेज होना अलग बात है, उससे कंफर्म करना अलग बात है, वो कंफर्म हम नहीं कर सकते, वो कंफर्म जिसने उसके बारे में तजुर्बा होगा या जिसने उसका वर्क करा होगा वही जानता है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी जो मेरा अनुमान था वो एकदम ठीक था। और ये देखो, ये देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, ये घर में ही रहता है और अभी मैं इसको ले आया हूँ, परंतु बकरियों के साथ कम जा रहा है, बकरियाँ वहाँ पहुँच गई हैं ये। और दोस्तों एक्चुअली इसका क्या है, वो है इसकी माँ, वो वाली उस पेड़ के पास, वो इसकी माँ है रेड कलर की। और इस माँ के हुए थे 3 बच्चे, जो आपने मेरी पहले वीडियो पे भी देखा होगा। उन 3 में से 2 तो दोस्तों हमने, वो वहाँ हैं, एक उधर है, एक वहाँ पे नीचे है, वो 2 तो हमने इसकी माँ के साथ छोड़ दिए थे, तो वो उसके साथ ही प्रॉपर रहते हैं, जंगल आते हैं और घर पर उसका दूध दूध पीते हैं जो भी हैं। और इसको हमने अपने घर पे ही रख लिया था, क्योंकि इसको हम घर पे गाय का दूध पिला रहे थे, तो बहुत लंबे टाइम से इसको घर पे ही रखा, तो अब इसका आने का, जंगल आने का मन नहीं करता है। सुबह ज़बरदस्ती इसको डंडे से डरा डरा के मार मार के लेके आता हूँ, भगा भगा के, कहीं पर गोद पे भी उठा के लेके आना पड़ता है जब ज़्यादा ही तंग कर देता है। तो उसको लाने का कारण यही है, वहाँ पर खोलते हैं तो ये चरने वरने के लिए जाता नहीं है, ये जाएगा या तो मेरे संतरे के पेड़ हैं उन्हें खा जाएगा, या फूल लगा रखे हैं वो खा जाएगा, या तुलसी लगा रखी है वो खा जाएगा, बस जो चीज़ को खानी होती है ये वो नहीं खाता। बस इसको थोड़ा जंगल लाने की दिक्कत होती है दोस्तों, फिर मैं जंगल ले आता हूँ, फिर ये मेरे पीछे ही लगा रहता है। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जितना मैं चलूँगा उतना ही अपना भी पीछे से आता रहेगा। ये देखो, ये चल ले चल ले चल ले, इधर आ, इधर आ जा, ले इधर आ जा, बोला तो ये पहले आता है। ये देखो, ये इसको खलनी हुई खुजली, इसको भी वो बोलता है मेरे को भी कलो खुजली, वो बोलता है मेरे को, चलो 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 हटो, किसी को नहीं करता मैं, परेशान कर देते हैं फिर ये लोग, एक बोलता है मेरी खुजली, एक बोलता है मेरी खुजली। तो दोस्तों बकरियां हमारी ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती, देखनी नहीं पड़ती, बस ये मेरी आवाज़ जिस साइड को सुनती हैं या मुझे जिधर को देखती हैं तो अपने हिसाब से उधर मूव करती रहती है। ये आपने देखा भी, उधर को मूव करा था, अभी इधर को आगे, वो देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, वो है माँ, उसके पीछे वो रेड वाला है, देखा वो अपने, वो छोटा वाला ये आ रहा है, ये तो इसका एक ये है बच्चा, एक ये रेड है आगे, ये आ गया ये वाला छोटा, ये एक वो और एक ये और तीसरा ये है, उन दोनों का अपनी माँ पर गया कलर, इसका थोड़ा सा हटके है उससे। तो देखो दोस्तों, दिखने में खूबसूरत लगता है, ये देखो इसके बाल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हैं उनसे, क्योंकि इसका ज़्यादातर बाप पर गया है, वो दोनों अपनी माँ पर गए हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है, इसकी माँ भी नहीं पहचानती इसको, इसके भाई बहन भी नहीं पहचानते इसको, ये भी उनको नहीं जानता, तो ये कितना भी चिल्ला ले वो कोई रिस्पांस नहीं देते, और वो कितना भी आवाज़ मारे कोई रिस्पांस नहीं देता, अब ये अकेला हो गया है, ये अपने में मस्त रहता है। तो दोस्तों वीडियो मेरी यही है, मेरे स्वरोज़गार को लेके, और दोस्तों आजकल पूजा पाठ चल रही है, तो मैंने अपने 2-3 ब्लैक कलर के मेरे एक वो ऊपर और है, मेरे पास 4 थे, 4 में से मैं 3 एक्चुअली सेल कर चुका हूँ, एक और रह गया है। इसके लिए भी मेरे को कम से कम दोस्तों 3-4 लोगों के मेरे को कॉल आ गई हैं। तो दोस्तों अपना ऐसा है, अपना फंडा ये है, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा ये उसका, वो ले जाएगा इससे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो दोस्तों ये हमारा जंगल है, आप देखते ही होंगे, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, और आज मैंने गाय भी नीचे छोड़ दिया, क्योंकि गाय आज अकेले हैं और मैंने नीचे छोड़ दिया, जितना देर उसका मन करेगा जंगल में रुकेगी, फिर अपना चले जाएगी। तो दोस्तों आप मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी अच्छा प्यार देना और अपना सहयोग बनाए रखना, और दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट्स भी करना, और मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।